कनेक्टिंग रोड के दो दो एंड होते हैं, बिग एंड वाला। बिग एंड वाला जो ये जो बड़ा वाला एंड है ये क्रैंक शाफ्ट पे लगेगा। हाँ भाई कौन सी क्लास में क्या कर रहे हैं? सीन काट बिग एंड लगेगा क्रैंक शाफ्ट पे, स्मॉल वाला लगेगा पिस्टन पे। ठीक है, यहाँ पे गर्दन पिन अटैच जाएगी इस तरह से। ठीक है, गर्दन पिन इसमें ऐसे अटैच करती है। और ये इसके अंदर कुछ दिख रहा है लगा हुआ? नो सर, कुछ नहीं दिख रहा। आंखें खोल के ध्यान से देखो क्या लगा हुआ इसके अंदर। ये इसके अंदर लगा हुआ बुश, ठीक है, जो बिल्कुल प्ले को खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, और बुश पीतल का भी होता है। अरे पीतल का ही बुश है। ठीक है, इसका बोलते हैं सीआर बुश। सीआर की फुल फॉर्म क्या हुआ? कनेक्टिंग रॉड बुश। ठीक है, पिस्टन को हम लगाएंगे इसमें इस तरह से और गर्जन पिन को यहाँ से वैसे डाल देंगे। ये थंब खुशी होती है, कभी ठोक पिट के नहीं जाती है, ये हाथ से ही जानी चाहिए ऐसे। ये पूरी कंप्लीट पिस्टन असेंबली हो गई, पूरी कंप्लीट पिस्टन असेंबली है। बड़ा वाला एंड क्रैंकशाफ्ट पे लगेगा। और अब ये इंजन जो तुम देख रहे हो, इसी क्रैंकशाफ्ट क्या समझ रहे हो लोगों, कितनी बड़ी होगी इस इंजन की? क्रैंकशाफ्ट का साइज क्या होगा? बड़ी होगी, सिंगल सिंगल सर जी, सिलेंडर। कम से कम जिस इंजन का ये पिस्टन असेंबली है, कम से कम क्रैंक कितनी बड़ी होगी? कितनी बड़ी क्रैंक होगी कम से कम से? उस पर फिट होगा ये कि चार सिलेंडर इंजन, फोर सिलेंडर इंजन का ही है। सिर्फ एक सिंगल सिलेंडर है हमारे पास, है सिर्फ सिंगल पिस्टन है एक ही, समझ रहे हो? और ये पिस्टन जो है वो कौन से नंबर का है ये भी इस पर मार्किंग हो रखी है। ये पिस्टन कितने नंबर का है, मतलब 1 2 3 4 होते हैं। ये दो नंबर पिस्टन है उस इंजन का, जिस इंजन में से ये निकाला गया होगा या वो गाड़ी को स्क्रैप कराया गया होगा उसमें से ये दो नंबर पिस्टन है। और कनेक्टिंग रॉड दूसरे की है, इस पिस्टन के साथ की नहीं है। कैसे पता चलता है पता है? इस पर मार्किंग हो रखी है, अगर ध्यान से देखो तो इस पर मार्किंग हो रखी है। ये दो देख रहे हो डॉट लगे हुए, ये दो नंबर है। कनेक्टिंग रॉड पर देख रहे हो, कनेक्टिंग रोड पे एक डॉट लगा हुआ है। ये इसी के साथ, ये जो और जो इसका कैप है ये इसी के साथ का है। कैसे पता चलेगा कि ये कैप इसी के साथ का है? जब हम इसे खोलेंगे और पूरे इंजन को हम डिसमेंटल करेंगे, डिसमेंटल करने का मतलब होता है पूरे इंजन को जब हम खोलेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि और ये कैप जिस कनेक्टिंग रोड का है उसी कनेक्टिंग रोड में लगना चाहिए, अदरवाइज ये सेट नहीं बैठेगा, अदरवाइज ये सेट नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा? एक डॉट डिस्प्ले है, एक डॉट डिस्प्ले है, ये इसका डॉट दिखा दो सर, ये इसी का ही क्या है। ये चीज़ें होती हैं मार्किंग होती है इंजन के अंदर, ये देखने वाली समझने वाली चीज़ें, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना होता है हमें कोई भी ऑटोमोटिव इंजन को डिसमेंटल करते टाइम, असेंबल करते टाइम। ठीक है, और एक चीज़ और तुम्हें बता देता हूँ आज, ये बहुत बड़ा गुरु ज्ञान है, तुम भी दे रहा हूँ, कोई नहीं देता। डॉट दिखा दो सर जी, डॉट डॉट दिखा दो वीडियो में। ये जो दो डॉट देख रहे हो ना इसमें, ये कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड कैप है वो इसी कनेक्टिंग रॉड का है। ये जानने के लिए ये इसमें कंपनी ने मार्किंग दे रखी है, इसको दो डॉट्स हैं, ये दो डॉट्स हैं इस पर, ये इसी का ही है। और कनेक्टिंग रॉड अब यदि जो हम इंजन में इसको असेंबल कर रहे हैं, जब सिलेंडर में हम इसे डालेंगे, यानी कि सिलेंडर में हम इसे डालेंगे, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे रहना चाहिए कि ऐसे, ये हम कैसे समझेंगे? उसके लिए एरो का निशान, ये एरो का निशान इंजन की मेन पुली की तरफ होगा। मेन पुली समझते क्या होती है? इंजन की मेन पुली होती है जैसे जिस पर बेल्ट चल रही होती है ना, क्रैंकशाफ्ट में बेल्ट लगी होती है इंजन में, किसी भी इंजन में बेल्ट देखी है ना, बस ये जिस साइड पे क्रैंक की पुली लगी है ना उस साइड पे ये एरो को उस तरफ को रखेंगे, यानी ये इंजन में ऐसे जाएगा। अगर ये ऐसे जाएगा तो भी दिक्कत है, ऐसे जाएगा तो भी दिक्कत है। और अब यहाँ बात आ जाती है स्नेहन प्रणाली की। ठीक है, एक इंजन का पुर्जा ही हर चीज़ जो है ना वो बयां कर देता है, बता देता है। स्नेहन प्रणाली के लिए क्या है इसमें? ये होल दिखाई दे रहा है? हाँ सर। और यहाँ पे ये होल दिखाई दे रहा है? हाँ। जब इंजन में ये होल दिखाई दे रहा है? यस सर। ये होल भी दिखाई दे रहा है? यस सर। जब इंजन हमारा वर्किंग करेगा तो ऐसे ही होल क्रैंक के अंदर भी बने होंगे, क्रैंक शाफ्ट के अंदर भी बने होंगे, उसके अंदर लुब्रिकेशन ऑयल चलेगा,
ठीक है, प्रेशर से आएगा यहाँ बैरिंग को, ऐसे ही बैरिंग, ये स्प्लिट बैरिंग है, इसे स्प्लिट बैरिंग बोलते हैं। कार के अंदर, कार के इंजन में ऐसे बैरिंग होते हैं, ना कि बॉल बैरिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर चलेगा, यहाँ से आएगा, प्रेशर से निकलेगा, पिस्टन को लुब्रिकेट करेगा, यानी कि लाइनर के अंदर ऑयल को डालेगा, लाइनर के अंदर ऑयल को पूरी तरह फैलाएगा। यही है स्नेहन प्रणाली, यही है स्नेहन प्रणाली, ठीक है। इसी तरीके से काम करती है स्नेहन प्रणाली, ठीक है। इतने में कोई डाउट है? पिस्टन क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन का बिग एंड कहाँ लगता है, इसका बिग एंड कहाँ लगेगा, बिग एंड कौन सा वाला है, इसमें स्मॉल एंड कौन सा वाला है, ऊपर वाला है। स्मॉल एंड में अंदर इसमें क्या लगा हुआ है, गर्जन पिन के ऊपर क्या लगा हुआ है, गर्जन पिन खाली थोड़ी है, गर्जन पिन के अंदर भी तो कुछ लगा हुआ है, गर्जन पिन के साइड में भी तो मैंने कुछ बताया था जो उसकी प्ले को कम करने के लिए लगाया गया, इसमें क्या लगा हुआ है, पतली सी नहीं, उसका नाम बताओ मुझे, पतली से मतलब नहीं है वो, सी आर कुछ होता है, कनेक्टिंग रॉड कुछ होता है, सीआर बुश, कनेक्टिंग रॉड बुश बोलते हैं उसे। ये चीजें याद रखने वाली है, इन चीजों को याद रखो, और जब बताया करो तो कॉपी पे लिखा करो, ठीक है। वाल्व का काम क्या है ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, इंजन के अंदर दो वाल्व होते हैं किसी में, अब कंफ्यूज मत हो जाना, एक सिलेंडर पे दो वाल्व होते हैं, किसी किसी इंजन में चार भी होते हैं, किसी किसी इंजन में पांच भी होते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरर मतलब जिसने इंजन को बनाया है, जिसने इंजन का डिजाइन करा है, जिसने इंजन ऑटोमेटिक व्हीकल बनाया है, ये उस पर डिपेंड करता है। वो इंजन की पावर बढ़ाने के लिए ज़्यादा वाल्व भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, पाँच भी दे सकता है, छः छः वाल्व भी होते हैं एक एक सिलेंडर में, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इनलेट वाल्व होता है और एग्जॉस्ट वाल्व होता है, अब इसमें से इनलेट कौन सा और एग्जॉस्ट कौन सा है बता सकता है, छोटा बड़ा नहीं पूछ रहे, इनलेट और एग्जॉस्ट पूछ रहे हो, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा है, गलत जी, एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व, इनलेट बड़ा, इनलेट वाल्व हमेशा बड़ा होगा किसी भी इंजन में, दुनिया में कोई सा भी इंजन हो ना, दुनिया में जितने भी इंजन है, इनलेट वाल्व हमेशा बड़ा होगा, एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होगा, छोटा होगा। और ये देख लो साइज का फर्क, बड़ा छोटा होगा साइज का फर्क है, क्योंकि ये एक ही गाड़ी के नहीं है, अलग अलग गाड़ी के, एक ही गाड़ी के नहीं है, दोनों अलग है। और हाँ, इनलेट वाला और एग्जॉस्ट वाल, इनलेट वाले का थोड़ा सा ये जो वाल का फेस है ये बड़ा होगा, एग्जॉस्ट वाले का छोटा होगा, लेकिन इसको बोलते हैं वॉल्व स्टेम, वॉल्व की स्टेम होती है ये जो डंडी दिख रही है ना, ये वॉल्व स्टेम होती है, ये वॉल का फेस होता है ये, ठीक है, ये वॉल का फेस है, वॉल की स्टेम है, इसके भी 36 पार्ट है भाई, ये भी वॉल का फेस होता है। लेकिन यदि एक जो इनलेट वाल्व जो है उसका फेस बड़ा होगा, एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होगा, लेकिन ये शाफ्ट जो है ना इसकी, ये जो डंडी है इसकी स्टेम, इसका साइज सेम होगा, क्योंकि ये एक ही इंजन का नहीं है, इसलिए छोटा बड़ा सर ये होता है अलग अलग, ठीक है। ये छोटी गाड़ी का है, ये स्प्लेंडर का है, ये स्प्लेंडर का है, देखो भाई बाइक का कितना छोटा और हल्का है, और ये बड़े इंजन का, कार के इंजन का कितना बड़ा वाल है, ठीक है। और इससे बड़ा इंजन आएगा कोई, इतने बड़े बड़े वाल्व होते हैं, तो वो मैटर नहीं करता, वो मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्पर गियर क्या होता है, स्पर गियर का एग्जांपल ये है, ठीक है, ये स्पर गियर है, इसके जो टीथ हैं वो कैसे हैं, सीधे सीधे हैं, हेलिकल गियर होगा, हेलिकल गियर, अब समझ लो अच्छे से, अब याद हो जाना चाहिए तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं, हेलिकल गियर के जो दांत होंगे ना वो सीधे नहीं होंगे, टेढ़े होंगे, ये सीधे दिख रहे हैं ना, वो 30 डिग्री के एंगल पे होंगे, टेढ़े होंगे, ठीक है। स्पर गियर में, हेलिकल गियर में यही फर्क है, और गियर और भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे पास समय अवेलेबल नहीं है, लेकिन तुमको ये तो मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा दूँ कि ये स्पर गियर क्या होता है। तो भाई स्पर गियर ये होता है, और ये है, ये कैमशाफ्ट का बैरिंग है, ये बैरिंग है कैमशाफ्ट का, स्प्लिट बैरिंग है। ओवर हेड कैम वाला जो इंजन होगा उसमें बैरिंग हेड के अंदर होंगे, ये ओवर हेड कैम वाला मैकेनिज्म नहीं है, ये बड़े इंजन के अंदर लगती है कैम, जो कौन सी अशोक लेलैंड के इंजन में, या तुम्हारा क्या नाम टाटा के इंजन में, जिसमें सीआर बुश कह रहा हूँ, जिसमें कैम शाफ्ट नीचे दे रखी होती है ब्लॉक में, एक तो कैम शाफ्ट मैकेनिज्म इसमें दे रखा होता है, ये देखो, एक तो कैम शाफ्ट ऐसा।